Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today we will continue the chapter decimals with on page number 50. Page number 50 की exercise 1 और 2 हम कर चुके हैं. Now today we will do exercise number 3. Exercise number 3 is give each sum or difference. Remember to line up decimal points. हमें sum करना है decimal number का और difference find out करना है. What is the sum? Sum is the answer of addition. And what is difference? Difference is the answer of subtraction. यानी अब हमें addition और subtraction करने हैं decimal number के. We have already learned there are two parts of decimal number. The number before decimal point is the whole number and number after decimal point is the fractional part. Decimal number के दो parts होते हैं. Decimal point के left side पे होता है और decimal point के right side पे होता है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब होल नंबर होता है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे फ्रैक्शनल पार्ट होता है. एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों के लिए हमें नंबर्स को लाइन अप करना होता है इस तरह से कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और उसके बाद होल पार्ट लिखा जाए और फिर फ्रैक्शनल पार्ट लिखा जाए. टू नंबर्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 आर 0.544 - 0.270. इट्स मीन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स. हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन दोनों नंबर का यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट नंबर इज 0.544. देन वी हैव टू राइट द सेकेंड नंबर इन अ वे द डेसिमल पॉइंट विल कम जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आए. 0.2 इसमें तो लाइनअप खुद ही हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे वन डिजिट है डेसिमल पॉइंट से पहले दोनों में वन डिजिट ही है. अगर वन से ज़्यादा हो तो फिर हमें लाइनअप करना पड़ता है. पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया. पॉइंट से पहले था जीरो, जीरो को लिखा जीरो के नीचे और उसके बाद था 270 राइट साइड पर लिखा. नाउ डू द सब्ट्रैक्शन. 4 में से 0 माइनस किया 4. 4 में से 7 को माइनस करना है जो पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू बोरो 1 फ्रॉम द फ्रॉम 5. 5 से हमने 1 बोरो कर लिया. नाउ इट इज 14. 14 में से 7 माइनस किया द आंसर इज 7. 5 में से हम 1 दे चुके हैं इसलिए अब ये 4 बचे यहाँ पे. 4 में से वी हैव टू डू माइनस 2. 2 इज द आंसर. पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. 0 में से 0 माइनस हुआ 0 आंसर आया. This is the answer of 0.274 is the answer of question number 1. But if there are not equal numbers in number of fraction, digits are not same in both the numbers, then we have to do follow this method. अगर हमें पास दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो तो हम क्या करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज 4 - 1.382. अब इस 4 में तो सिर्फ 4 है विच इज द होल नंबर. फ्रैक्शनल पार्ट इसका मतलब है ही नहीं. फ्रैक्शनल पार्ट में भी इसका मतलब है हम सारे पॉइंट के पास 0 0 0 लिखाएंगे जितने प्लेसेस में हमें डिजिट्स चाहिए. सेकेंडली जो दूसरा नंबर है हमारे पास उसके पास होल पार्ट में है 1 डिजिट और फ्रैक्शनल पार्ट में है 3 डिजिट्स. पॉइंट के नीचे पॉइंट को लाइन अप करना है तो हम 4 के बाद हमेशा सबट्रैक्शन में पहला नंबर ही ऊपर लिखा जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि 1.382 ऊपर लिख के हम नीचे 4 लिखते हैं. नहीं, 4 ही ऊपर लिखा जाएगा. पहला नंबर जो दिया हुआ है ऊपर लिखा जाएगा. 4 हमने लिखा इट इज अ होल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने पॉइंट लगा के 0 0 0 उतने नंबर ऑफ डिजिट 0 लगा के जितने दूसरे नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट्स है. यहाँ 3 डिजिट्स हैं इसलिए हमने 3 0 लगा दिए. पॉइंट लगाया. पॉइंट के नीचे पॉइंट. 4 होल नंबर था लेफ्ट साइड पे आएगा. सेकेंड नंबर में 1 होल नंबर है ये भी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आएगा. राइट साइड पे सेकेंड वाला जो नंबर है उसमें 3 डिजिट्स हैं लेकिन पहले वाले नंबर में कोई भी डिजिट नहीं है. तो हम क्या करेंगे उस तीनों प्लेसेस को फिल करेंगे किससे 0 से. और फैक्ट हमें मालूम है होल के बाद होल नंबर के बाद पॉइंट आता है. इस 4 के बाद पॉइंट आया और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में हमने 0 लगा दी. हमने खुद फिल की है. नाउ सबट्रैक्ट द नंबर्स. अब हमें 0 में से 2 माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है. हम बराबर में से लेंगे. बराबर में भी 0 है तो नहीं दे सकता. उसके बराबर में भी 0 है ये भी नहीं दे सकता. उसके बराबर में जो 4 है यहाँ से हम 1 लेंगे. 1 लेके इसको 10 बनाएंगे.
फिर इसमें से वन इस पर आप इसको बोरो करेंगे तो ये नाइन बन गया, फिर इसमें से टेन में से हम इसको वन दे देंगे तो ये इसके पास नाइन रह गया। नाउ वन सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम टेन, टेन में से टू सब्ट्रैक्ट किया एट आंसर आया, यहाँ नाइन रह गया था नाइन में से एट माइनस किया वन आंसर आया, यहाँ भी नाइन रह गया था नाइन में से थ्री माइनस किया सिक्स आंसर आया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसमें पॉइंट को लाइन अप करना जरूरी है, यहाँ थ्री रह गया था थ्री में से वन माइनस किया टू इज आंसर, यानी सब्ट्रैक्शन में एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लाइन अप होना जरूरी है। जहां भी एम्प्टी प्लेसेस हैं वी कैन फिल द एम्प्टी प्लेसेस बाय जीरो। नाउ द नेक्स्ट आई हैव डन क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर यू, द क्वेश्चन नंबर नाइन इज जीरो सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन इज 9.060 को प्लस करना है 10.453 के साथ। अगेन नाइन जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले है, होल नंबर है, 060 जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 10 का जीरो आएगा नाइन के नीचे और वन के ऊपर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी जिसको मैंने फिल कर दिया है जीरो से। फोर आएगा पहला डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट के पहले डिजिट के नीचे, फाइव आएगा सिक्स के नीचे जो कि सेकेंड डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट का, और थ्री जो है थर्ड डिजिट है थर्ड के नीचे आएगा। नाउ एड दीज वैल्यूज, थ्री प्लस जीरो इज थ्री, सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन, वन कैरी हो गया, फोर प्लस वन इज फाइव, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ नाइन प्लस जीरो इज नाइन, जीरो प्लस वन इज वन, अगेन व्हाट वी हैव डन हियर, we have done only we fill the zero in empty place, हमने जहां जहां empty place थी वहां zero fill कर दिया और उसके बाद addition किया। why we have to, because we have to line up the decimal point, decimal point को line up करना जरूरी है, जहां empty space आए वहां पर उसकी जगह zero लगाना है। इसी method से you have to do question number 3, 7 and 11. This is your homework. You have to do these three questions in your copy. Thank you.